हाय फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी मसाला। अरबी मसाला को बनाने के लिए मैंने अरबी लिया है। इसको मैं अच्छे से धो के क्लीन करके 2 सीटी बॉयल की हूँ और इसका अब मैं पील ऑफ कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे पील ऑफ कर रही हूँ। सारे अरबी का मैंने पील ऑफ कर लिया। अब मैं इसे काटती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ कैसे काटना है और क्या साइज उसका देख लेते हैं। तो जस्ट ऐसे ही 2 हिस्से में आप उसको डिवाइड कर लेना। सारे अरबी को मैं इसी तरह काट लूँगी। तो इसी तरह मैं सारे को काट ली हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे कैसे बनाते हैं। अरबी को बनाने के लिए मैं पहले एक पैन को गर्म कर रही हूँ और इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ करना, ये मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा टेस्टी होता है इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी। आप मेरा तेल का क्वांटिटी देख लें मैं कितना यूज़ कर रही हूँ। तो ये ऑयल मेरा ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर है। अब मैं इसे थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। तेल मेरा गरम हो गया है, इसमें मैं अजवाइन डालूंगी और एक रेड चिली। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। मसाला में मैं यूज करूंगी कोरिएंडर, क्यूमिन पाउडर 1 स्पून, टर्मरिक 1 स्पून और ब्लैक पेपर। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज करूंगी। आप चाहे तो ऑनियन भी डाल सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ जिंजर गार्लिक के पेस्ट से बना रही हूँ। अरबी में मैं 2 ग्रीन चिली भी यूज कर रही हूँ। आपको कैसा स्पाइस पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग ग्रीन चिली ऐड कर लेना। फ्लेम में लो रखी हुई हूँ, लो करके इसे फ्राई करना है नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब सारे अरबी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको धीरे धीरे करेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। अब मैं इसमें रेड चिली यूज़ करूँगी। ये स्पाइसी वाला रेड चिली है, ये मसाला है इसलिए ये थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा स्पाइस यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर स्पाइस ना पसंद हो तो आप मत ऐड करना, सिर्फ कश्मीरी रेड चिल्ली ऐड कर लेना। अब मैं सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। और लास्ट में अब मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। धीरे धीरे इसको मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है जैसा कि मैं पहले ही बोली हूँ। तो इसको आराम से चलाना है। अरबी मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हुआ है। अब मैं इसमें आधा धनिया पत्ता ऐड करूँगी और हाफ को मैं बाद में गार्निश के लिए रखूँगी। ये हाफ मैं इसलिए डाली कि इसमें अच्छा से कोरिएंडर का फ्लेवर आ जाए। अरबी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो इसे आप धीरे धीरे ही प्लेट्स में भी निकालिएगा ताकि ये टूटे ना। अरबी मसाला मेरा रेडी है। ये देखने से देख सकते हैं आप कितना मसालेदार है और टेस्टी भी दिख रहा है। ये बहुत ही क्रंची है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे बना के देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए। थैंक यू। इसे आप पूरी पराठा किसी के भी साथ खा के देख सकते हैं कैसा है। थैंक यू सो मच।